हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स अशोक मित्रा द्वारा लिखा हुआ इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। ये है स्टूडेंट्स मेरे पास बुक क्लास 12 की फ्लेमिंगो की। ओके, इसका ये जो चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स, मैंने पिछली वीडियो में इसकी समरी करवा दी थी आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समरी वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस कर दूंगा चैप्टर के। तो जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा इसके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। तो पेज नंबर 59 है ये। सबसे पहले पेज नंबर 59 देखिए, इसके चार क्वेश्चन हैं, ये मैं अभी आपको कराऊँगा। थिंक एज यू रीड, मतलब जितना जितना पोर्शन होता जाएगा उसके क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ऐसे करवाता जाऊँगा जैसे बुक में गिवन है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पेज नंबर 59 के व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, मतलब उनके लिए वो फायरी मिजरी क्या थी। मिजरी का मतलब होता है उनको डराने वाली चीज़, फायरी मतलब आग वाली डराने वाली चीज़ क्या थी। द राइटर मीन्स द मिजरी, रहस्य क्या था। द मिजरी कॉज बाय द इनकैंडेसेंट लाइट्स दैट poured into intense heat, वो क्योंकि मेकअप करने वक्त बहुत ज़्यादा तेज लाइट्स के बीच में उनके ऊपर डाली जाती थी जिसकी गर्मी उनको झेलनी पड़ती थी जो मेकअप करवाने के लिए सीट पर बैठा होता था। द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड ब्राइट बल्ब्स, और उसके ब्राइट बल्ब से इन द रूम, उस कमरे में ऑल ऑफ लार्ज मिरर्स, सारे बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। दैट रिफ्लेक्टेड द ग्लोइंग लाइट्स, और जो लाइट को और रिफ्लेक्ट करके ग्लो करके उनको पूरे कमरे में फैलते थे। अंडर सच ब्लेजिंग हीट, इस बहुत ज़्यादा हीट में मेकअप वॉज डन, मेकअप किया जाता था। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है। वट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, वो कौन सी एग्जाम्पल है जिसको नेशनल इंटीग्रेशन का नाम दिया था ऑथर ने। द मेकअप टीम एंड ऑल्सो दोज हु केम एंड वेंट वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, मेकअप टीम थी जो, उसमें बहुत से लोग आए और गए जो डिफरेंट स्टेट से थे। इट वॉज हेडेड बाय बंगाली, उसमें एक उनके बॉस बंगाली थे। एंड नेक्स्ट इन हायरार्की और लाइन में नीचे थे, सिक्वेंस वाइज थे, महाराष्ट्रियन असिस्टेड बाय आंध्रेटी और आंध्र प्रदेश के थे, फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन थे, एंड एंग्लो बर्मीज एंड अदर लोकल तमिल्स थे। इट वॉज ट्रूली अ गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, और ये वो कह रहे हैं कि ये पूरा एक गैंग था नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का, जो मेकअप मैन थे। इससे ये पता चलता कि वो राष्ट्र सौहार्द के लिए इकट्ठे हुए थे सारे डिफरेंट स्टेट्स के पार्ट्स से। थर्ड क्वेश्चन, वट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन जेमिनी स्टूडियो, वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड। द ऑफिस बॉय अप्लाइड मेकअप टू द क्राउड्स, मिक्सिंग हिज पेंट्स इन अ जॉइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। द ऑफिस बॉय अप्लाई करता था मेकअप, किनको लगाता था, जो भीड़ का रूप बनते थे उनके पेंट करता था, उनको मिक्स करके जॉइंट वेसल्स में बड़े बहुत सारे बर्तन में उन्हें रंग घोल के उनको पेंट करता था क्राउड प्लेयर्स को। ही वॉज ज्वाइंट द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था इस उम्मीद से कि वो एक बड़ा स्टार एक्टर बनेगा और टॉप स्क्रीन राइटर, या तो बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर ऑफ लिरिक्स और लिरिक्स राइटर बनेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ ए पोइट, वो थोड़ा सा कविताएँ लिखना भी जानता था, वो कवि भी था थोड़ा सा। He was disappointed as he was placed low. वो उसको बड़ी दुख था कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा लो रखा गया है, नीचे रखा गया, इवन इन द हायरार्की ऑफ द मेकअप मैन। वो कहता है कि उसको हायरार्की ऑफ मेकअप मैन में भी बहुत नीचे रखा गया है। हायरार्की क्या होता है, ए चेन और सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी होती है, उसमें भी वो कह रहा है उसको बहुत नीचे रखा हुआ है, डाउन रखा हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर अपेयर टू डू नथिंग एट द स्टूडियोज, ऐसा क्यों लगता था कि जो राइटर है, जो ऑथर है इस कहानी का अशोक मित्रा, वो कुछ नहीं कर रहे थे स्टूडियो में। द ऑथर्स जॉब वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग
ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन द फाइल्स। ऑथर की जो जॉब थी वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को काटना, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे और उनको फाइल में लगा देना। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट इन हैंड, और बहुत सारे उसे वो उसको खुद अपने हाथ से लिखते थे। सीइंग हिम सिटिंग एट हिज डेस्क, उसको अपने डेस्क पे बैठा हुआ एंड टेयरिंग अप द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए देखते ज़्यादा लोग सोचते थे कि उनके पास स्टूडियो में कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो चलिए, अब 59 पेज का ये क्वेश्चन चार मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 60 के बाद, पेज नंबर 61। ये देखिए पेज नंबर 61 के ये 5 क्वेश्चन है, ये मैं अभी आपको कराऊंगा। पेज नंबर के क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों था ऑफिस बॉय। ठीक है, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और वो अपना गुस्सा किस पे निकालता था। तो अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, बिकॉज हिज होप्स ऑफ मेकिंग बिग इन द मूवी वर्ल्ड फेल्ड, क्योंकि उसकी जो मूवी की दुनिया थी, फिल्मों की दुनिया थी, उसका सपना वहाँ पे या उसकी उम्मीद वहाँ पे फेल हो चुकी थी। ही वेंट हिज एंगर, वो अपना जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकालता था वो किस पे निकालता था, कोठा मंगलम सुबू पे, जो कि स्टूडियो में नंबर 2 पे थे बॉस के बाद। Whom he had held responsible for his dishonor and neglect, जो कि जिसको कि वो मानता था कि वही जिम्मेदार है, सुबू ही जिम्मेदार है उसके डिसऑनर के लिए और उसको नज़रअंदाज किए जाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2, who was सुबू's principal, सुबू के बॉस कौन थे। एस एस वासन द फाउंडर ऑफ जैमिनी स्टूडियो, जो जैमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे, वॉज द बॉस ऑफ सुबू's प्रिंसिपल इन द स्टूडियो। सुबू के प्रिंसिपल थे, मालिक थे, उसके बॉस थे उसमें स्टूडियोज में। सुबू हैड अ ग्रेट लॉयल्टी टू हिम, सुबू उनका बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन था। ठीक है, दिस मेड हिम आइडेंटिटीफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, और इसी वजह से वो उनके उनको जल्दी वो आइडेंटिटीफाई हो गया था। ही टर्नड हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और वो अपनी सारी क्रिएटिविटी उस अपने बॉस के भले के लिए, उनके फायदे के लिए ही करता था। क्वेश्चन नंबर 3, सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैन मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। सुबू डिस्क्राइब किया जाता है कि वो मैनी साइड का जीनियस था, बहुत से काम वो कर सकता था। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी कोई 4 एबिलिटीज बताइए। सुबू वॉज मैनी साइडेड जीनियस, ही वॉज बॉर्न एज ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण थे। ही वॉज इट इज़ अ वर्चू ऑफ इट सेल्फ, ये तो अपने आप एक खुशकिस्मत की बात थी। एज इट इज़ एक्सपोज हिम टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल, और वो बहुत अच्छी जगहों पर और अच्छे लोगों में जा के पास जा सकते थे, उनसे मिल सकते थे। सेकेंड, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल ऑल द टाइम, और उसके पास काबिलियत थी हर समय खुश रहने की। थर्ड, ही मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा उसके पास किसी न किसी के लिए कोई काम होता था। फोर्थ, ही हैड ग्रेट लॉयल्टी टू हिज प्रिंसिपल, वो अपने प्रिंसिपल के एस एस वासन जो कि उनके बॉस थे उनके प्रति बड़ा ही समर्पित था। ठीक है, ये 4 उसकी क्वालिटीज थी। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स, लीगल जो एडवाइजर थे वो दूसरों के ऑपोजिट क्यों थे। द लीगल द लॉयर वॉज द ओनली वन एट द स्टूडियो हु रोट हु वोर पैंट्स, उस मतलब स्टूडियो में सिर्फ लॉयर ही थे जो पैंट पहनते थे, टाई पहनते और समटाइम्स या कभी कभार कोट पहनते थे, अनलाइक अदर्स, बाकियों की तरह वो खादी या धोती की शर्ट नहीं पहनते थे। हिज जॉब वाज टू गिव सपोर्ट एंड एडवाइस ऑन प्रॉब्लम, उनका काम सपोर्ट करना और मुसीबत के समय या प्रॉब्लम के समय एडवाइस करना। बट इन फैक्ट ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, और जबकि वो असलियत में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते थे। ही ब्रॉट द करियर ऑफ ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस टू एन एंड, उन्होंने एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर खत्म कर दिया बाय टेररिजिंग हर, उसको टेररिज करके, उसको डरा के। ही वॉज राइटली कॉल्ड अ इलीगल एडवाइजर, और उनको इलीगल एडवाइजर कहना कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फॉर फ्रॉम द अदर्स एट जैमिनी स्टूडियो, लॉयर्स को क्यों बाहर किया गया जैमिनी स्टूडियो से, मेड स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जैमिनी स्टूडियो, उसको अलग से क्यों
पहचान मिली लॉयर को जेमिनी स्टूडियो में, बिकॉज द लॉयर वोर पैंट, वो पैंट डालते थे, एक टाई डालते थे और कभी कभार कोट डालते थे, वाइल ऑल वेयर खादी, खादी के कपड़े डालते थे। ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, वो अकेले और असहाय दिखते थे। ही वॉज ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, और वो सपने लेने वाले जो भीड़ थे उसमें से वो अलग तरह के ही इंसान, कोल्ड लॉजिक वाले इंसान लगते थे। ही वॉज ए न्यूट्रल मैन अमंग गांधीज एंड खादीज, वो न्यूट्रल आदमी थे जिसमें कि गांधी की सोच रखने वाले और खादी के पहनावे को पसंद करने वाले लोगों के बीच में वो न्यूट्रल थे। ठीक है जी, तो चलिए 61 पेज के ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे हम बात करते हैं 62-63 पेज, फिर 64 पेज। ये देखिए पेज नंबर 64, उसके ये 6 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो यस, 64 नंबर का पेज नंबर का पहला क्वेश्चन है, डिड द पीपल एट जर्मनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पोलिटिकल एफिलेशंस, क्या उनकी कोई पर्टिकुलर पोलिटिकल राजनीति रुझान था या कोई जो वो कहीं जुड़ाव था उनका किसी पोलिटिकल पार्टी से। द पीपल एट द जर्मनी स्टूडियो वोर खादी, वो खादी पहनते थे और वर्शिप गांधी और गांधी जी की पूजा करते थे, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नो पर्टिकुलर पोलिटिकल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा उनका कोई राजनीतिक दिलचस्पी या समझ नहीं थी। दे ओनली हैड ओपिनियन ऑफ कम्युनिज्म, उनको सिर्फ कम्युनिज्म के बारे में ही पता था, विच दे लॉथर्ड एंड लुक डाउन ऑन कम्युनिस्ट, और जो कि उन पर लाद दिया गया था और कम्युनिस्ट द्वारा। दे कंसिडर्ड कम्युनिस्ट एज हार्टलेस, वो जानते थे कि वो कम्युनिस्ट एक बहुत ही हार्टलेस इंसान होते हैं, हु आर डिवाइड ऑफ इमोशन, जिनकी कोई इमोशंस नहीं होती। दे वेंट अबाउट लेटिंग लूज एनार्ची इन द सोसाइटी, और उनको कोई भी ज़्यादा पहचान सोसाइटी में नहीं मिलती। ओके, तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी वेलकम एट जर्मनी स्टूडियो, क्यों मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी को वेलकम किया गया स्टूडियो में। द मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी वाज इनवाइटेड टू स्टेज 2 प्लेज, उनको 2 प्ले किए गए विच वर मोर लाइक होमलीलेस फॉर द जर्मनी फैमिली, जो एक तरह के होमलीलेस की तरह ही थे जर्मनी फैमिली के लिए। इट वॉज डिस्कवर्ड ओनली लेटर दैट द ग्रुप वॉज पार्ट ऑफ द मूवमेंट काउंटरिंग इंटरनेशनल कम्युनिज्म, और बाद में पता चला कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म के प्रोग्राम देते थे, एंड वासन हैड इन्वाइटेड दैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पोलिटिकल इंटरेस्ट, और उनको अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण ये उनको वहाँ इन्वाइट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ द शो दैट जर्मनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाई MRA, कोई एक एग्जाम्पल बताओ टू शो, जिसे ये पता चले कि जर्मनी इन स्टूडियो इन्फ्लुएंस हुआ था, प्रभावित हुआ था एक MRA के किसी एक स्टेज प्ले से। सो MRA ने 2 स्टेज प्ले किए थे, एक जॉथम वैली एंड दूसरा फॉरगेटन फैक्टर। देयर हाई क्वालिटी कॉस्ट्यूम्स, उनके बढ़िया कॉस्ट्यूम्स और महंगे कॉस्ट्यूम्स एंड वेल मेड सेट अर्न अ लॉट ऑफ एडमिरेशन, और उनका बहुत बढ़िया बनाया हुआ सेट के लिए उनको काफ़ी तारीफ मिली थी। द सनराइज एंड सनसेट सीन इम्प्रेस देम, सनराइज और सनसेट का जो सीन था वो उनको बड़ा इम्प्रेस करता था, सो मच दैट ऑल तमिल प्लेज स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग द सीन एट अ बेयर स्टेज, और सारे तमिल प्लेज में ऐसे सीन्स को उन्होंने भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अपनाना शुरू कर दिया अपने प्लेज में। अ वाइट बैकग्राउंड थी कर्टन, ए वाइट बैकग्राउंड का कर्टन था एंड अ ट्यून प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, और फ्लूट बांसुरी धीरे धीरे बजती थी, ऐसे सनराइज और सनसेट को वो दिखाते थे। हु वॉज द बॉस ऑफ जर्मनी स्टूडियो, जर्मनी स्टूडियो के बॉस कौन थे। मिस्टर एस एस वासन द फाउंडर ऑफ द जर्मनी स्टूडियो वॉज द बॉस, अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फिल्म प्रोड्यूस करने के अलावा ही वॉज एन एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकतन, तो इसके अलावा वो तमिल एक साप्ताहिक पत्रिका छपती थी आनंदा विकतन, उसके वो एडिटर थे। ही वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ द स्कॉलरी पीपल, वो पढ़े लिखे लोगों बुद्धिजीवियों के बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते थे, उनको पसंद करते थे। सुबू सीम टू इंजॉय इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिम, सुबू का उनके साथ बड़ा ही नज़दीकी रिलेशनशिप था। मिस्टर वासन इज प्रोजेक्टेड एज अ बिट ऑफ द शोमैन हेयर, और मिस्टर वासन एक शोमैन के रूप में वहाँ प्रेजेंट किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5,
what caused a lack of communication between the Englishman and the people at Germany studio. मतलब उसमें क्या था कि जो इंग्लिशमैन आया था और जो लोग थे जर्मनी स्टूडियो में, उनमें ठीक तरीके से संपर्क नहीं हो पाया. वो एक दूसरे, मतलब इंग्लिशमैन की बात जर्मनी स्टूडियो के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे थे. द इंग्लिशमैन स्पीच वाज प्रेप्ड विद द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. और उनके फ्रीडम में वर्ड आ रहे था फ्रीडम, मतलब उनकी स्पीच में वर्ड आ रहा था फ्रीडम और डेमोक्रेसी. एंड द जर्मनी हैड फैमिली हैड नो पोलिटिकल इंटरेस्ट. और जर्मनी फैमिली को इसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी. सो दे वर डेज्ड और एंड ए साइलेंट ऑडियंस. और इसलिए वो बहुत ही साइलेंट ऑडियंस बन के बैठे हुए थे. ऑल्सो द इंग्लिश मैन एक्सेंट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और उनकी बात करने का लहजा भी उनको अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा था. बिकॉज ऑफ विच ऑल कम्युनिकेशन हैड फेल्ड. तो इसलिए उनका सारा ही जो बात समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझ पाए. ही वॉज बेसिकली अ पोइट. वो एक पोइट थे एंड मेड नो सेंस टू द पीपल. और उन लोगों को कोई सेंस नहीं नजर आ रही थी हुज लाइफ अराउंड अ फिल्म स्टूडियो. और जिनकी जिंदगी पूरे उस फिल्म स्टूडियो के आसपास ही या इर्द गिर्द ही थी, वो उनकी बातें नहीं समझ पा रहे थे. सिक्स क्वेश्चन, वाई वॉज इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. ये एक अनएक्सप्लेन्ड रहस्य क्यों है इंग्लिश मैन का वहाँ आना. द इंग्लिश मैन वॉज अ पोइट. इंग्लिश मैन एक पोइट थे जिन नेम वॉज नॉट फेमिलियर, जिनका नेम ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, इतना मशहूर नहीं था. इन सच स्पीच, इन हिज स्पीच ही टॉक्ड अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ द इंग्लिश पोइट. अपनी स्पीच में उन्होंने अपने थ्रिल और ट्रेवल को इंग्लिश पोइट के उन्हें बताया. विच मेड नो सेंस टू द सिंपल पीपल एट जर्मनी स्टूडियो. और जर्मनी स्टूडियो के लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी. हु हैड नो एक्सक्यूज एक्सपोजर अदर देन फिल्म. जिनको एक फिल्म के अलावा और किसी दुनिया का नहीं पता था. दुनिया में और किसी चीज़ को वो नहीं पसंद करते थे, ना ही किसी चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते थे. दीज सिंपल पीपल हैड नीदर टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री. ना ही इन साधारण लोगों के लिए ना ही किसी इंग्लिश पोइट्री में इंटरेस्ट था, ना ही किसी कोई पोलिटिकल राजनीतिक दिलचस्पी थी. हैंस हिज विजिट इज रेफर टू एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री. इसलिए उनका वहाँ जर्मनी स्टूडियो में विजिट एक ना समझ आने वाली रहस्य बन के रह गया. उसके बाद पेज नंबर 65 यहाँ आ जाइए. पेज नंबर 65 ये है, उसके ये तीन क्वेश्चन हैं, ये मैं अभी आपको करवाऊँगा. ठीक है जी. तो चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो. इंग्लिश विजिटर कौन थे जो स्टूडियो में आए थे. द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज ए पोइट स्टेफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ द ब्रिटिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर. तो वो विजिटर थे वो स्टेफन स्पेंडर, जो कि एडिटर थे ब्रिटिश पीरियोडिकल अखबार के द इनकाउंटर के. ठीक है जी. चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की. हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज. उसने ऑथर ने कैसे डिस्कवर किया, कैसे खोजा कि ये जो विजिटर इंग्लिश विजिटर स्टूडियो में आया वो कौन थे. द ऑथर डिस्कवर्ड हिज आइडेंटिटी बाय रीडिंग द नेम ऑफ द पेज ऑफ द इनकाउंटर इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. तो ऑथर ने उनका नाम इनकाउंटर के पेज पे एक मैगजीन के पेज पे पढ़ा, जो कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था. ही आल्सो नो अबाउट हिम फ्रॉम द पेपर बैक एडिटर एडिशन ऑफ द बुक. उस बुक के एडिशन में भी पढ़ा था जिसमें लिखा था द गॉड दैट फील्ड. उस बुक के पीछे एडिशन में भी उनका नाम उसने पढ़ा था. ठीक है, इस तरीके से उसके बारे में एडिटर उस इंग्लिश विजिटर के बारे में उसने पता किया. ठीक है जी. तो चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है. व्हाट डज द गॉड हैज़ फील्ड रेफर टू. इसका क्या मतलब है कि गॉड फेल हो गया. द गॉड हैज़ फील्ड रेफर टू ए बुक. एक बुक का नाम है दैट वॉज ए कंप्लेशन ऑफ सिक्स ऐसे, जिसमें छः ऐसे थे ऑफ बाय सिक्स एमिनेंट मैन, बहुत बड़े बड़े छः आदमियों द्वारा लिखे हुए. इट वॉज अ लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन. ये बहुत कम कीमत वाला स्टूडेंट्स के लिए एडिशन था. रिलीज टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन के 50वीं सालगिरह पे ये निकाला गया था एडिशन. इट डील विद द ऑथर्स डिसोल्यूशन इल्यूजनमेंट विद द कम्युनिज्म. ये उसका कम्युनिज्म के साथ डिसोल्यूशनमेंट था. ठीक है, ओके. तो चलिए, अब हम ये कोई चैप्टर तो कंप्लीट हो गया. उसके बाद ये वाले लास्ट में जब बैक एक्सरसाइज आती है तो इसके ये चार क्वेश्चन रह गए हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में करवा दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ये चार क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. पहला क्वेश्चन है, द ऑथर हैज़ यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट ऑफ ह्यूमन फॉइबल्स. पिक आउट
इंस्टेंसेज ऑफ दिस टू शो हाउ द ऑथर सर्व्स टू मेक द पीस इंटरेस्टिंग, उसने कैसे इस सारी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाया है। पोएट्स एंड पैनकेक्स हैज एन अंडरलाइन टोन ऑफ ह्यूमर, एक हास्य वाली टोन में लिखा गया है, विच इज सरकास्टिकल कटाक्ष के रूप में एंड बीन डेवलप्ड बाय द ऑथर टू पॉइंट आउट द ह्यूमन फॉबलेस। इट इज मेनली मैनिफेस्टेड इन द इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप रूम पीपल, वो मेकअप रूम के पीपल के बारे में भी बहुत ही अच्छे ढंग से वो लिखते हैं। द मेकअप रूम ही से वॉज अ बिल्डिंग दैट हैड वंस बीन स्टेबल ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था वो था। ही वॉज फर्दर मेक्स फन ऑफ द मेकअप टीम, वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं और स्लैब्ड मेकअप और मेकअप का भी मजाक उड़ाते हैं। आयरनिकली द मेकअप टर्न्ड एनी नॉर्मल मैन इनटू हिडियस मॉन्स्टर, वो किसी भी नॉर्मल आदमी को राक्षस बना सकते हैं फार मोर फ्रॉम प्रेजेंटेबल, और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल करने से ज़्यादा खतरनाक भी उसको पेश कर सकते हैं। ही ऑल्सो रेफर्स टू द फायरी मिजरी ऑफ द एक्टर, कि उनको कितना कठिन या मिजरी आग वाली तड़पने वाली चीज़ में रहना पड़ता था मेकअप कराने के वक्त, क्योंकि बहुत से ब्राइट बल्ब्स, लार्ज मिरर्स, रिफ्लेक्टिंग ब्लेजिंग हीट, जो हीट छोड़ते थे उसमें बैठ के उनको अपना मेकअप कराना पड़ता था। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुबूज नंबर टू वॉज जेमिनी स्टूडियो, द फ्रस्ट्रेशन बॉय, सुबू के बारे का डिस्क्रिप्शन, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय की खींच, और द ऑपोजिट रोल प्लेड बाय द लीगल एडवाइज़र, और उसका लीगल एडवाइज़र का जो ऑपोजिट रोल प्ले किया, एक एक्टिंग कैरियर, एक कंट्री साइड गाँव की लड़की का खत्म, उसका कैरियर ख़त्म करने में आर ह्यूमरसली बहुत ही हास्यपूर्वक उसने बताया है, डील विद बट इफेक्टिवली ब्रिंग आउट द फ्लॉज इन द सेटअप, और बड़े अच्छे तरीके से सेटअप में जो फ्लॉज है उसके बारे में बताया। द शोमैनशिप ऑफ द बॉस, जो उसके बॉस की शोमैनशिप थी, बट इन्फ्लुएंसेस हिज गेस्ट, और एड कैस किस तरीके से वो अपने गेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है आउट ह्यूमन वीकनेसेस इन अ लाइट हार्टेड मैनर। द ह्यूमर इज एट इट्स पीक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजिट ऑफ स्टेफन स्पेंडर, जैसे जब उनको उनकी बातें नहीं समझ आती तो ह्यूमर उस वक्त सबसे चरम सीमा पे था। एस एस वॉसन्स रीडिंग अ लॉन्ग स्पीच इन हिज ह्यूमर, बट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट हिम, और वो उसके बारे में थोड़ा ही जानते थे। स्पेंडर्स एसेंट इज हाईली unintangible. Then the author establishing lost long brother's relationship with the author English editor visitor is also funnier humorous. कहता है बाद में उसको author को वो English visitor जो पहले उनको पसंद नहीं आ रहा था, बाद में उसको बिछड़ा हुआ है भाई जैसा ही लग रहा था। All these slides dig at human foibles tickle in us humor, जो हमारे अंदर हंसी भर देता है। ठीक है जी, second question, Who was Kothamangalam? Kothamangalam Subbu. Subbu considered number 2 in Gemini Studio. Why was Kothamangalam Subbu? क्यों Gemini Studio में Kothamangalam Subbu को number 2 का दर्जा मिला हुआ था? ठीक है, Kothamangalam Subbu was on the attendance role of the story department. वो story department के में था and was number 2, और दो number 2 पे था at Gemini Studio by not by virtue of merit, वो किसी merit के आधार पे नहीं था, but because he was a Brahman, क्योंकि वो ब्राह्मण था और affluent exposure, और उसका बहुत ही प्रभावित exposure था। He was cheerful, वो बड़ा खुश रहता था, and he had a sense of loyalty, उसको उसमें समर्पण की भावना थी अपने boss के प्रति, and that's why he was very close to boss. He was quick to delegate work to other. वो बहुत ही जल्दी से दूसरों को काम delegate कर देता था। As if tailor made for film. वो ऐसा था कि जैसे फिल्मों के लिए बना। Sparks of the his creativity showed in his suggestion. वो अपने suggestion में बहुत creativity लाता था on how to create shots. किस तरीके से shot दिया जाए। He composed poetry, scripted a story and a novel. उसने एक poetry भी लिखी हुई थी, उसने एक story भी लिखी थी, एक novel भी। He gave directions and definition to Gemini Studio during its golden year. वो उसको direction भी देता था और Gemini Studio को golden years में उसने definition एक अच्छा नाम या अच्छा एक system बना के दिया हुआ था उसने। उसको define करता था Gemini Studio को। He performed in a subsidiary role better than many main players. वो किसी भी role को main player से ज़्यादा अच्छे तरीके से perform कर देता था। He had a genuine love for his relative. उसके जो अपने परिवार सगे संबंधियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति genuine love था और उसके जो आसपास रहने वाले लोग थे। His extravagant hospitality was popular. वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली
लोगों की सेवा करता था, वॉज पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अमंग हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के लिए और एक्वेंटेंसेस, प्रोबेबली दैट हिज वाई हिज ही हैड एनिमी, इसीलिए उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द इंग्लिश पोइट कंसिडरिंग द ऑडियंस एट द जर्मनी स्टूडियो. द जर्मनी स्टूडियो विटनेस्ड अ सरप्राइज विजिट बाय अ टॉल इंग्लिशमैन हु वाज प्रोक्लेम्ड टू बी अ पोइट, जिसको बताया गया था कि वो एक पोइट है. द वेलकम स्पीच बाय द बॉस वॉज डिलीवर इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, तो जो वेलकम स्पीच बॉस ने दी थी वो तो बहुत सिंपल या जनरल टर्म में थी, विच ओनली शोड दैट इवन द बॉस डिडेंट नो हिम मच अबाउट, उनकी बॉस भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे. द पोइट टॉक्ड अबाउट द थ्रिल एंड द ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट विच मेड नो सेंस टू द सिंपल पीपल एट द जर्मनी स्टूडियो, और इंग्लिश पोइट का वहाँ आना कोई सेंस नहीं बना था जर्मनी स्टूडियो के लोगों के लिए. दे हैड नो एक्सपोजर अदर देन फिल्म, उनको फिल्मों के अलावा किसी दुनिया का किसी और चीज़ का नहीं पता था, ना ही उनको समझ थी, ना ही वो उसमें दिलचस्पी लेते थे. ऑल्सो वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी और फ्रीडम दैट फीचर्ड इन स्पीच, जो कि उनके और क्या था, डेमोक्रेसी और फ्रीडम नाम के जो शब्द थे उनकी स्पीच में, हैड नो इंटरेस्ट, उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था फॉर देम एज दे हैड नो पोलिटिकल थाट और इंटरेस्ट, उनमें कोई पोलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था. मोर ओवर द इंग्लिश मैन एक्सेंट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश मैन की जो बात करने का लहजा वो भी समझ नहीं आ रहा था उनको, बिकॉज ऑफ विच ऑल कम्युनिकेशन फेल्ड, सारा उनकी बात समझ आने में असमर्थ थे सारे लोग. ही वॉज बेसिकली अ पोइट, वो एक पोइट थे एंड मेड नो सेंस टू द पीपल, उनको कोई सेंस नहीं बन रही थी दोज लाइफ सेंटर्ड अराउंड अ फिल्म स्टूडियो, जिनकी सारी जिंदगी या दुनिया फिल्मों के इर्द गिर्द थी, वो पोइट की भाषा नहीं समझ पा रहे थे. देयरफॉर हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री फॉर मच टाइम, तो उनका आना एक रहस्य ही रहा जिसको नहीं समझाया जा सका, एक्सप्लेन किया जा सकता था काफ़ी लंबे समय तक. समझ ही नहीं पाए लोग कि वो क्यों आए हैं वहाँ पे जर्मनी स्टूडियो में. फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट. द ऑथर अशोका मित्रन वॉज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ मेंटेनिंग द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, उनकी जॉब थी न्यूज़पेपर क्लिपिंग की को काटना, मूवीज और अदर आर्टिकल्स. दो टू अदर्स हु जस्ट सॉ हिम टेयरिंग पेपर्स, बाकी हालांकि कहता बाकी जो उनको सिर्फ पेपर फाड़ते हुए देखते थे, ही अपेयर टू बी डूइंग नथिंग, उनको लगता था कि वो कुछ नहीं करते. द जॉब कैप्ट द ऑथर वेल इन्फॉर्म्ड, बट जॉब जो ऑथर की जॉब थी उसको पूरी तरह वो इन्फॉर्म करके रखते थे, क्योंकि सारी नॉलेज उनको मिलती जा रही थी. ऑल्सो देयर प्रिवेल्ड एन इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, और उसके लिए एक बुद्धिजीवी जैसे इन्वायरमेंट भी बन रहा था वो, टू गेम सेट गेट सम टू सम एक्सटेंट, बिकॉज द पोइट एंड स्क्रिप्ट राइटर्स यूज टू हैंग आउट देयर इन मेस दैट सर्व कॉफ़ी एनी टाइम ऑफ द डे, तो उनको किसी भी समय पे कॉफ़ी भी मिल जाती थी. ठीक है, द ऑथर वुड पिक अप 50 पैसा कॉपीज ऑफ जर्नल्स फ्रॉम द फुटपाथ एंड टुक द पार्ट ऑफ द पोएट्री राइटिंग कंपटीशन, और ऑथर ने 50 पैसे की कॉपीज भी खरीदी थी उस जर्नल की जो फुटपाथ पे मिलता था पोएट्री राइटिंग कंपटीशन के लिए. ही एक्चुअली रेड एसेज द गॉड हु फेल्ड टू नो मोर अबाउट द पोएट स्टीफन स्पेंडर, उसने उसका जो ऐसे था वो भी पढ़ा था स्टीफन स्पेंडर का, द गॉड हु फेल्ड ऑल दीज एविडेंसेज दैट ही इज ए सम लिटरेरी टेस्ट. तो इससे उनको हमको पता चलता है कि जो ऑथर है उसका एक लेखन में भी या पढ़ने लिखने में उसका इंटरेस्ट है. ठीक है जी, तो ये थे सारे क्वेश्चन. इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरह रिवीजन कर लीजिए. बाकी अगले चैप्टर्स के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए. ओके जी, डन.